पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवा पंजाबी सिंगर मूसेवाला की फैन फॉलोइंग अच्छी खासी थी। मूसेवाला का म्यूजिक करियर उड़ान जरूर भर रहा था, लेकिन विवादों से भी उनका गहरा नाता था। म्यूजिक के अलावा राजनीतिक दांव भी उन्होंने आजमाया, लेकिन उसमें मूसेवाला को शिकस्त मिली। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मूसेवाला ने कैसे अपना करियर आगे बढ़ाया और कहाँ के रहने वाले थे, किन किन विवादों में गिरे, ऐसी तमाम बातों का जिक्र करेंगे। मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह था। बहुत ही कम वक्त में लोकप्रियता के शिखर पर भी मूसेवाला पहुंच गया। पंजाबी सिंगर मूसेवाला का जन्म 17 जून 1993 को मानसा जिले के मूसा गांव में हुआ था। मूसेवाला के पिता भोला सिंह पूर्व सेना अधिकारी हैं, वहीं उनकी मां चरण कौर गांव की सरपंच है। मूसेवाला ने छठी क्लास से ही हिप हॉप गाना शुरू कर दिया था। उन्होंने लुधियाना के हरविंदर बिट्टू से गाना सीखा था। मूसेवाला ने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की। इस दौरान उन्होंने डीएवी कॉलेज फेस्ट में हिस्सा भी लिया था। मूसेवाला तपुक शकूर को अपना आदर्श मानते थे। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद सिद्धू मूसेवाला कनाडा चले गए। यहाँ पर उन्होंने अपना पहला गाना जी वैगन रिलीज किया था। 2018 में मूसेवाला ने भारत में लाइव परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था। उन्हें पहचान साल 2017 में आए गाने सो हाई से मिली थी। इस गाने के लिए उन्हें ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड्स में बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उन्होंने इसका जेट टोचन सेल्फ मेड फेमस और वार्निंग शॉट जैसे म्यूजिक वीडियो भी जारी किए। साल 2018 में मूसेवाला ने फिल्म डाकुओ द मुंडा फिल्म के लिए डॉलर गाना भी गाया। पंजाबी फिल्मों में उनका ये पहला गाना था। वहीं मूसेवाला बंदूक की संस्कृति को बढ़ावा देने की वजह से विवादों में भी घिरे। मूसेवाला के खिलाफ अपने गानों के जरिए बंदूक की संस्कृति और हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप के तहत कई केस भी दर्ज किए गए। 2020 में तत्कालीन कैप्टन अमरिंदर की सरकार में उनके खिलाफ एक गाने में कथित तौर पर बंदूक की संस्कृति को बढ़ावा देने के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। मशहूर पंजाबी रैपर का नाम हमेशा विवादों की वजह से सुर्खियों में आ चुका था। कोरोना महामारी के दौरान भी सिद्धू मूसेवाला अपने एक वायरल वीडियो की वजह से विवादों में आ गए थे। कथित रूप से उस वीडियो में वह एक फायरिंग रेंज में AK-47 राइफल से फायरिंग करते नजर आए थे, लेकिन इसकी वजह से भारतीय सेना से रिटायर्ड भोला सिंह के बेटे की सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती रही। कई विवाद भी हुए, आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन लोकप्रियता कम नहीं थी। इसी को देखते हुए पिछले साल पंजाब चुनावों में कांग्रेस ने भी उन पर चुनावी दांव पेच आजमाया। सिद्धू ने मूसेवाला को यूथ आइकन तक बताया था। मूसेवाला को 3 दिसंबर 2021 को ही पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उस समय के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल कराया गया था। उनके कांग्रेस में शामिल होने पर सिद्धू ने उन्हें यूथ आइकन और अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत बताया था। इंस्टाग्राम पर मूसा के फॉलोअर्स की तादाद 70 लाख से भी ज़्यादा है, जिस पर उन्होंने 4 दिन पहले आखिरी पोस्ट भी किया था। सिद्धू मूसेवाला की शनिवार को पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सुरक्षा भी हटा दी थी और उसी दिन मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंग लीडर लॉरेंस विश्नोई के करीबी सहयोगी कनाडा के गैंगस्टर कुलदीप बराल ने दी है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ।